बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि गिरिडीह के डुमरी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना चल रही है, जहां इंडिया की प्रत्याशी बेबी देवी और एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी के बीच जबरदस्त टक्कर देखी जा रही है। इस पर ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर गिरिडीह से जुड़े हैं सहयोगी शाहिद रजा। गिनती और कौन अभी आगे चल रहा है? सुबह 8 बजे से ही मतगणना कार्य शुरू हो गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ निर्वाचन पदाधिकारी अब डीसी नमन सिंह जो लंबा साहब है और पर्यवेक्षक मौजूद है, एसपी मौजूद है। अभी तक जो जानकारी है 13वें राउंड तक की मतगणना पूरी हो गई है, जिसमें यशोदा देवी 3044 मतों से आगे है। अभी तक जो है 13वें राउंड में एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी को 4,049 मत और बेबी देवी को 46,397 मत मिले हैं, जबकि AIMIM के मौलाना मोबिन बिजली को 227 मत मिले हैं। जी 10वें राउंड तक जो था एनडीए प्रत्याशी की अंतर जो बहुत अधिक थी, लगभग 7,000 वोट से आगे थे, लेकिन अब जो नावाडी का क्षेत्र का मत खुला है वहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बेबी देवी लगातार बढ़त बनाने लगी और जो उनका फासला था 7,000 से घटकर 3,000 हो गई है। अब जैसे जैसे जो राउंड आगे बढ़ रहा है 24 राउंड तक होना है मतगणना, और इसमें जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के चेहरे और उनके समर्थकों में जश्न का माहौल शुरू हो गया है, क्योंकि उन लोगों को डर था कि डुमरी जो क्षेत्र है प्रॉपर इसरी है डुमरी, वहाँ एनडीए की प्रत्याशी को ज्यादा बढ़त मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को उतना 7,000 ही बढ़त मिली। लेकिन अब अचानक जो 13वें राउंड में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने जो छलांग लगाते हुए जो मार्जिन था उसको काफी कम किया है, और यूं मैं कि जो कांटे की टक्कर है अब जो है एनडीए के प्रत्याशी थोड़ा सा जो है उसको थोड़ा पीछे हो गई है अभी जो अंतर है उनका, और गठबंधन प्रत्याशी जो है इंडिया गठबंधन के बेबी देवी उनके मतलब कार्यकर्ताओं का चेहरे खिलने लगे हैं, जैसे का माहौल है। अभी यहाँ झमाझम बारिश भी शुरू हो गई है, जिससे 14वें राउंड की मतगणना का जो रिजल्ट है आने में लेट हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ का जो मतगणना कार्य है जारी है और परिणाम का जो है वो रोचक बना हुआ है। जी स्वामी शहीद, आगे और कुल कितने राउंड तक की गिनती होनी है? देखिए मैं बता दूं 24 राउंड तक गिनती होनी है, 16 टेबल बनाया गया है और ये जो अभी 14वां राउंड का गिनती का परिणाम आना बाकी है, जब आएगी तब इसमें ऐसा भी है ये अभी अनाउंस हो गया 14वें राउंड की गिनती का, उनमें जी शाहिद हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए धन्यवाद। आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।